गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका जो ट्वेल्थ का टॉपिक चल रहे थे, ट्वेल्थ क्लास यानी कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका टॉपिक है हीमोफीलिया की वंशागति। कौन सा टॉपिक है? हीमोफीलिया की वंशागति। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया। क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस हीमोफीलिया। इसके पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था, जो क्रॉस करवाए थे उसमें था आपका प्रधानता, कलर ब्लाइंडनेस। ऐसे व्यक्तियों में लाल और हरे रंग का भेद नहीं हो पाता है, जिसके वजह से ऐसे लोगों की नौकरी या ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो हमने आपको क्वेश्चंस बना करके यहाँ पे क्रॉस करवाया था। तो जो कलर ब्लाइंड की जो बीमारी होती है या जिसे वर्धानता बोलते हैं, वो वर्धानता बीमारी अनुवांशिक हो जाती है। अगर माता पिता में है तो बच्चों में भी चली जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग सेम आपका दूसरा टॉपिक है हीमोफीलिया की वंशागति। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि हीमोफीलिया किसे कहते हैं, हीमोफीलिया क्या है। ठीक है, तो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा रोग है, अगर आपके हाथ में या पैर में किसी वजह से चोट लग जाती है या ब्लेड से स्किन कट जाती है, त्वचा कट जाती है, या आपके हाथ पैरों और किसी से आघात हो जाता है, तो आपके हाथ या पैरों से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, आपके हाथ और पैरों में किसी की वजह से चोट लग जाती है या आघात हो जाता है, तो आपके हाथ या पैरों से ब्लड का बहना शुरू हो जाता है। अब जब ब्लड का बहना शुरू हो जाएगा, अगर आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, डिसीज नहीं है, रोग नहीं है, तो आप नॉर्मल हैं, सामान्य हैं। आपका ब्लड जो बह रहा था उसमें क्लॉट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? थक्का बन जाएगा। ब्लड कैसा हो जाएगा? ब्लड आपका क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा। अगर जिस किसी व्यक्ति में या पुरुष में यह बीमारी होती है, तो ब्लड का थक्का जमता नहीं है। ब्लड कैसा होता है? ब्लड फ्लो करता रहता है, यानी कि ब्लड हमेशा बहता रहता है, ब्लड रुकता नहीं है, ब्लड रुकता नहीं है, ब्लड बह जाता है या बहता रहता है। तो यह कैसे होता है, आप ये समझ लीजिए। अगर जिस किसी पुरुष महिला में या मातृपिता में यह बीमारी होती है या पाई जाती है, तो ऐसे लोगों का ब्लड फ्लो होता रहता है, रुकता नहीं है। या मान लीजिए अगर यह बीमारी पेरेंट्स में है, तो यह बीमारी आपके बच्चों में, आने वाले और पीढ़ियों में इस प्रकार से ट्रांसफर हो जाती है। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया। अब यह जो बीमारी सबसे पहले किसको हुई थी, तो महारानी विक्टोरिया, एक महिला है जिनका नाम है महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया को यह बीमारी हो गई थी। ठीक है, तो यह बीमारी उनमें कहां से आई थी? यह बीमारी उनके माता पिता से आई थी। ठीक है, अगर महारानी की बात की जाए, तो महारानी विक्टोरिया को यह बीमारी हो गई थी, यह रोग उनके पास उनके माता पिता से आया था। तो सबसे पहले महारानी विक्टोरिया का नाम आता है इस डिसीज में, इस बीमारी में। उनका शरीर का ब्लड रुकता नहीं था, अगर चोट लग गई तो ब्लड हमेशा बहता रहता है। तो मात्र आप महारानी विक्टोरिया में जो डिसीज थी, उनमें एक पुत्र में भी हो गई, उनके बेटा हुआ, उनके बेटे को भी यह बीमारी हो गई, उसके बाद उनके जो दो पुत्र हो गए उनको भी हो गई। तो मेरा कहने मतलब ये है, अगर घर परिवार में या पूर्वज में किसी के पास यह बीमारी है या हो गई थी, तो आने वाले पीढ़ियों में यह बीमारी जरूर आएगी 100%। ठीक है, क्लियर है? तो आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हीमोफीलिया आपका ए होता है, हीमोफीलिया आपका क्या होता है, आपका बी होता है। ठीक है, हीमोफीलिया आपका क्या होता है? बी होता है। ए में फैक्टर होता है, ए में फैक्टर होता है, इसको बोलते हैं कारक। कौन सा कारक होता है? कारक एट होता है, कारक एट होता है। और हीमोफीलिया बी में आपका 9 कारक होता है। इनकी अनुपस्थिति में आप देख रहे हैं हीमोफीलिया ए H4 हो जाएगा हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया बी होता है, हीमोफीलिया ए में जो कारक होता है वो 8 होता है, ये इसकी में अपसेंट पाया जाता है। हीमोफीलिया बी में कारक 9 होता है, ये भी अपसेंट पाया जाता है। तो जिस प्रकार से डिसीज बढ़ जाती है शरीर में, इस प्रकार की बीमारी बढ़ जाती है। तो ठीक है ना, आप लोग को समझ चुके होंगे इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं माता पिता से बच्चों में जाती हैं, उसी के आप जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड परीक्षा में, हमने आपके बोर्ड स्क्रीन पर इस प्रकार क्वेश्चन बना के रख दिया है, आप समझ लीजिए। ठीक है ना, आप लोग को समझ चुके होंगे इस प्रकार से, जैसा कि अभी हमने आपको इस प्रकार से बताया है कि हीमोफीलिया क्या है। आपने समझ लिया कि हीमोफीलिया एक डिसीज है, एक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है। क्लियर है? अब यहां समझ लीजिए आप, जैसे क्रॉस आपने पेरेंट डेस में किए थे, जैसे क्रॉस आपने वृद्धावस्था में किए थे, सेम आपको वैसे ही करना है। आप देख रहे हैं आपके इस स्क्रीन पर, इस बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आप देख रहे हैं। इस क्वेश्चन का नाम है सामान्य पुरुष। आप गौर से देखिए, सामान्य पुरुष का था हीमोफीलिया के जीन की बाहक स्त्री। इसमें आप दो लोग हैं, एक मेल है एक फीमेल है। आप देख रहे हैं जो पुरुष है वो कैसा है, वो सामान्य है। कैसा पुरुष है? पुरुष आपका सामान्य है और स्त्री कैसी है? स्त्री बाहक है। ठीक है ना, एक सामान्य पुरुष है एक बाहक स्त्री है। तो आप देख रहे हैं जैसे हमने आपको बताया था कि राइट हैंड साइड आपको फीमेल लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आप लिखेंगे यानी कि पुरुष लिखेंगे। ठीक है, आपने देखा कि सामान्य पुरुष है तो हमने यहाँ पे लिख दिया यानी कि सामान्य पुरुष, यहाँ पे लिखा बाहक स्त्री तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाहक स्त्री। ठीक है, अब डिसीज कैसे लिखेंगे? डिसीज में क्या होता है, यहाँ पे लिखा हीमोफीलिया, लिखा ना हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया का जो एच होता है, जो एच होता है कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं, एच फोर हो जाएगा हीमोफीलिया। जिस पुरुष महिला में डिसीज होती है तो उसके जो लिंग आपके प्रसूत होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उसको एच बना देते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पे यह बाहक स्त्री लिखा है, तो बाहक स्त्री में एक एक्स पर एच पाया जाता है। अगर वो कहता कि सामान्य स्त्री है तो सामान्य स्त्री में डबल एक्स होता, अगर वो कहता कि हीमोफीलिया स्त्री है तो हीमोफीलिया स्त्री में दोनों एक्स पर एच पाया जाता। तो आप यहाँ पे नोट कर देते एच और यहाँ पे नोट कर देते एच, तो ये हीमोफीलिया जो स्त्री हो गई फीमेल। अगर वो कहता कि सामान्य पुरुष है तो आप ऐसा बनाते, अगर वो कहता कि हीमोफीलिया मेल है या पुरुष है तो मेल के लिए क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो एक्स पर एच आ जाएगा कि हीमोफीलिया पुरुष हो जाएगा, ये हीमोफीलिया फीमेल हो जाएगा, ये नॉर्मल फीमेल है, ये बाहक स्त्री है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कंडीशन बन जाएगी, इसी में क्रॉस करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, बाहक स्त्री है, हमने दो एक्स ले लिए, एक्स मतलब होता है, एक्स मतलब होता है स्त्री, उस पर बाहक बोलना है तो एक्स पर एच आ जाएगा। आ गया, ये सामान्य पुरुष है तो सामान्य पुरुष में कोई डिसीज नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन है। ये और ये दोनों जनक है, यहाँ पे लिखा है जनक यानी कि पेरेंट्स, मदर फादर या स्त्री पुरुष मेल फीमेल। अब दोनों को डिवाइड कर लेंगे अलग अलग, इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, ये युग्मक हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैमेट्स से युग्मक है। आप देख रहे हैं मेरी बात को, एक बॉक्स बनाएंगे आप इस प्रकार का, चार खानों वाला बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स के ऊपर लिखेंगे नर युग्मक। तो नर कहाँ है, ये है एक्स वाई आ जाएगा, आपने यहाँ पे देखा है एक्स वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या मादा युग्मक, तो इसको एक्स यहाँ पे, इसका एक्स यहाँ पे हो जाएगा, हो गया। अब इस दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, मेल का या फीमेल का, मेल से मेल का फीमेल से क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इस एक्स का इस एक्स से क्रॉस करेंगे तो डबल एक्स हो जाएगा, इसका इससे करेंगे डबल एक्स हो जाएगा, फिर इसका इससे करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा।
अब इसका इससे करेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें x, इसमें भी x है, इसमें क्या जाएगा, इसमें h आ जाएगा, h वाला इसमें लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इससे करेंगे तो एक आपका x है, इसमें इस प्रकार का ये y आ जाएगा, आ गए कि नहीं आ गए, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। अब ये डबल x है, ये फीमेल है, ये एक्स वाई है, ये मेल है, यानी कि ये पुत्री है, पुत्र है, ये क्या है, ये पुत्री है, ये क्या है, ये पुत्र है। आपको क्या करना है, यहां पर आपको नोट करना है, किस प्रकार से नोट करेंगे। अब ये चार तरह की आपकी पुत्र पुत्रियां हो गए। पहला आप लिखा है, आप यहां पर लिखेंगे नंबर एक, यहां पर लिखेंगे एक पुत्री, यानी कि एक सामान्य पुत्री, क्या लिखेंगे, एक सामान्य पुत्री, इस प्रकार से, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, यहां लिखेंगे एक सामान्य यानी कि पुत्र लिख देंगे। तीसरा आप देख रहे हैं यहां पे, तो आप यहां पर देखिएगा ये कंडीशन देखिए बाहक है ना, तो पुत्री कैसे हो जाएगी, बाहक हो जाएगी। यहां पर लिखेंगे एक बाहक पुत्री, ठीक है, एक बाहक पुत्री हो जाएगी यहां पे। चौथा आप देख रहे हैं इस प्रकार से, इसमें लिखा है नंबर फोर में, तो लिखेंगे एक हीमोफिलिक पुत्र, क्योंकि इसमें एक्स पर एच आ गया, वाई आ गया, इस पर डिसीज हो जाएगी, तो एक आप देख रहे हैं एक हीमोफिलिक यानी कि पुत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे हमने आपको बताया है, सेम आपको ऐसे ही करना है, एक आपकी सामान्य पुत्री हो जाएगी, एक सामान्य पुत्र हो जाएगा, एक बाहक पुत्री हो जाएगी, और एक हीमोफिलिया पुत्र हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा ये कंडीशन आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको नोट करना है। पहला क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाता है, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या करना है, इसमें क्या क्या चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यहां पे लिख देंगे हीमोफिलिया पुरुष, ये सामान लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर टू में क्या करना है, सामान्य हीमोफीलिक पुरुष, हीमोफीलिया पुरुष, हमने इसका नाम को चेंज कर दिया है, अभी पुरुष कैसा सामान्य था, अब हीमोफीलिया पुरुष हो जाएगा। अब बाहर स्त्री भी थी, तो यहां पे कर देंगे सामान्य स्त्री, क्या कर देंगे, यहां पे हो जाएगा सामान्य स्त्री, सामान्य स्त्री हो जाएगा। तो पुरुष कैसा हो गया, पुरुष हो गया हीमोफीलिया, और स्त्री कैसी हो गई, सामान्य स्त्री हो गई। अब क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, किस प्रकार से चेंज करेंगे यहां पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में
आप गौर से देखिए हम यहाँ पे क्या चेंज कर रहे हैं, इससे आपको क्या होगा क्लियर मालूम हो जाएगा इसमें क्या करना है, ठीक है ना। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हीमोफीलिया पुरुष, तो यहाँ पे लिखते हैं कि आप हीमोफीलिया पुरुष, हीमो हीमोफीलिया पुरुष कैसा है, एक्स वाई हो जाएगा, इसमें क्या जाएगा एच आ जाएगा, क्योंकि हीमोफीलिया पुरुष है, स्त्री कैसी है, स्त्री सामान्य है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सामान्य स्त्री है, यहाँ पे लिखते हैं कि आप सामान्य सामान्य स्त्री, ठीक है, तो क्या लिख देंगे डबल एक्स हो जाएगा, एक एक्स यहाँ पे, एक एक्स यहाँ पे आ जाएगा, सामान्य है ना नॉर्मल, तो ये आपका है हीमोफीलिया पुरुष है, इसका पुरुष से कर रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं इसमें भी एच आ जाएगा, ये जनक हो जाएंगे, ये एक्स एक्स हो जाएगा, नर युग्म पर क्या है यहाँ पे एच आ जाएगा, ठीक, ये हो गई बात। अब क्रॉस करना है, इसका इससे क्रॉस करेंगे तो एक्स एक्स और एक्स पे एच, इसका क्रॉस करेंगे एक्स और वाई, इसका क्रॉस करेंगे एक्स और एक्स पे एच, इसका क्रॉस करेंगे एक्स और वाई। आप देख रहे हैं एक सामान्य स्त्री है, हीमोफीलिया पुरुष है, ये डिसीज वाला पुरुष है, इसमें बीमारी है इसमें नहीं है, दोनों एक्स हमने बराबर ले लिए, यहाँ पे हमने एक्स और एच ले लिया, वाई ले लिया, अगर इसे क्रॉस करा देंगे, इसका क्रॉस से कराएंगे तो एक एक्स इस प्रकार का, इस प्रकार का, ये सामान हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, आप देख रहे हैं कि दोनों पुत्रियां हैं, पुत्र कैसी बाहक है, दोनों कैसे हैं पुत्र है, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे सभी पुत्रियां, सभी बाहक पुत्रियां और सभी पुत्र कैसे सामान्य है, नंबर एक पे लिखेंगे सभी पुत्रियां कैसी हैं बाहक है, कैसी हैं सभी पुत्रियां कैसी हैं बाहक है, ठीक है ना, या बाहक पुत्रियां इस प्रकार से लिख सकते हैं, सभी बाहक इसमें नोट करना है सभी बाहक पुत्रियां, ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे आप इस प्रकार का एक्स एक्स पे एच, इस प्रकार से आप नोट कर देंगे या लिख देंगे सभी पुत्रियां, सभी बाहक पुत्रियां इस प्रकार से नंबर एक पॉइंट डाल करके लिख देंगे, सभी बाहक पुत्रियां क्या है, इनमें इनमें एक्स और एच, एक्स पे एच है, दूसरा आप लिख देंगे पुत्र कैसे हैं सामान्य है, तो यहां पर लिख देंगे सभी सभी पुत्र, सभी सामान्य पुत्र, सभी सामान्य पुत्र, यानी कि एक्स और वाई, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है सारे क्रॉस हीमोफीलिया इस प्रकार से करना है और लिखना भी है कि पुत्र कैसा आया है, पुत्रियां कैसी आई हैं, ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इससे ये हो जाएगा कि आपने इस क्रॉस को अच्छे से किया है, ठीक है, आप सीख चुके हैं, तो सारे क्रॉस हीमोफीलिया के आपका हमने करा दिया है, पहला आपका था वरदान था, दूसरा आपका था हीमोफीलिया, इस प्रकार से आपके क्रॉस मेरे हिसाब से क्लियर हो चुके होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे और आज का टॉपिक यहीं प्रेस होता है, थैंक यू।